हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। तो इस वीडियो में आप देखोगे असर एंड रीजन के क्वेश्चंस। देखो, आपके जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसमें दो क्वेश्चन कंफर्म है इस टॉपिक पे, असर्शन एंड रीजन में। इसमें होता है क्या, देखो बेसिकली आपको दो स्टेटमेंट लिखी होती है। असर्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई स्टेटमेंट, और एक दूसरी स्टेटमेंट दे रखी होती है जिसका रखा होता है रीजन। तो इसमें ना आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, और आपको टिक करना है कौन सा सही है उन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के। असर्शन और रीजन बेसिकली दोनों स्टेटमेंट दे रखी होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होंगे? ऑप्शन ए कह रहा होगा कि जो स्टेटमेंट ए है जिसको असर्शन बोलेगा, और स्टेटमेंट आर जिसको रीजन बोलेगा, तो वो बोलेगा ऑप्शन ए होगा कि ए यानी कि स्टेटमेंट ए यानी असर्शन वाली स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट आर यानी रीजन वाली स्टेटमेंट, ए एंड आर दोनों स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, ये बोलेगा फर्स्ट, ठीक है, कि ए एंड आर बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द नाम है ना इसका रीजन, आर इज द रीजन ऑफ ए। मतलब क्या है इसका कि दो स्टेटमेंट दे रखे हो, अभी क्वेश्चन से और समझोगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको, जब क्वेश्चन करोगे तो ये सब समझ आएगा ए आर सब क्या है। बेसिकली होता है क्या है, दो स्टेटमेंट दे रखी होती है, एक का स्टेटमेंट का नाम होता है असर्शन जिसको ए बोलेगा, दूसरे स्टेटमेंट का नाम होता है रीजन जिसको आर बोलेगा। तो वो दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ोगे और देखोगे कौन सी सही है क्या है, तो अगर उसके बाद फिर ऑप्शन टिक करोगे तो ए ऑप्शन होगा कि ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, और साथ में जो आर है वो रीजन है कि पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट होने का, समझो आर इज द रीजन ऑफ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट होने का, ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहेगा, ऑप्शन बी कहेगा ए यानी कि पहली वाली स्टेटमेंट एंड आर यानी कि दूसरी वाली स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द रीजन ऑफ ए, आर इज नॉट द रीजन ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंडिविजुअली ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट आर भी सही है, तो ये देखा ना ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी, लेकिन जो आर वाली स्टेटमेंट है, रीजन वाली जो स्टेटमेंट है, वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। दोनों इंडिविजुअली करेक्ट जरूर हो सकती है, पर ये जो आर वाली स्टेटमेंट है ये ए वाली स्टेटमेंट का रीजन नहीं है करेक्ट होने का, तो फिर आप ऑप्शन बी करेक्ट कर टिक करोगे, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहेगा, मैं ऑप्शन समझा रहा हूँ, तो सिर्फ ऑप्शन सी कहेगा कि ऑप्शन ये स्टेटमेंट ए is true and but r is false, but r is false, तो ये तो आसान है समझना। इसमें क्या कि बस ये वाली a वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी और ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो आप क्या कर दोगे, सी ऑप्शन टिक कर दोगे। और डी ऑप्शन क्या कहेगा, डी ऑप्शन कहेगा कि ए वाली स्टेटमेंट फॉल्स बट r इज ट्रू, तो डी वाली स्टेटमेंट कब टिक करोगे आप, जब ये पहली वाली स्टेटमेंट, ये असर्शन वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाए और ये रीजन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन समझ आ गए, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बच्चे इसमें ये ऑप्शन ही नहीं समझ पाते तो आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसलिए मैं ऑप्शन आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें होता क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। दो स्टेटमेंट दे रखी होगी, पहले का नाम है असर्शन, दूसरे का नाम है रीजन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उन दोनों स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे भाई पहली स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है ये आर वाली स्टेटमेंट है, ये रीजन है कि पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ऐसा हो जाए तो हम ये ऑप्शन एक टिक कर देंगे। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये कोई रीजन नहीं है कि पहली वाली स्टेटमेंट का, तो हम बी टिक कर देंगे। देखो ना इसमें ए एंड आर दोनों स्टेटमेंट ट्रू जरूर होगी, लेकिन जो ये रीजन वाली स्टेटमेंट है ये रीजन नहीं होगा ए का, ए का रीजन नहीं होगा, तो आप बी टिक करोगे। और सी और डी तो इजी है समझने के लिए कि ए ट्रू होगी यानी पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो सी कर दोगे। और डी यानी पहली वाली फॉल्स होगी असर्शन वाली और रीजन वाली ट्रू होगी, तो डी टिक कर दोगे, ठीक है। तो ये थे ऑप्शन। अब ये मैं ऑप्शन बार बार हर क्वेश्चन में लिखूंगा, अब आप इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या जो मर्जी कर लो। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, पेपर से जाने से पहले देख लेना। मैंने सारे जो आपके चैप्टर है ना उसमें से उठाने की कोशिश की है, तो देखते हैं आपको हेल्प होगा इसमें से, ठीक है, समझ आ गया ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, तो ये देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसमें देख लो, दो स्टेटमेंट दे रखे आपके सामने, कोई दिक्कत हो रही है आपको इसमें? पहली स्टेटमेंट असर्शन, ए देगा इसका नाम, और दूसरी स्टेटमेंट रीजन, रीजनिंग लिख दिया मैंने, रीजन रीजन, ठीक है, रीजन ऐसे भी है रीजन, ओके। तो असर्शन ये पहली स्टेटमेंट, रीजन ये दूसरी स्टेटमेंट। अब आप पढ़ो, देखो इसको करने का तरीका, पहले पहली स्टेटमेंट देख लो भाई, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट, 1 इज 13। तो कोई पॉइंट है मान लो कोऑर्डिनेट में, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ये 1 अगर यहाँ है, 13 यहाँ होगा, तो यहाँ पर है मान लो ये पॉइंट। तो ये कह रहा है पहले स्टेटमेंट यानी असर्शन स्टेटमेंट कह रही है, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट ये रहा 113, तो इस पॉइंट के थ्रू इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होगी, ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट। तो यार सही है, एक पॉइंट से हम इनफिनाइट नंबर ऑफ, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें खींच सकती है, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन ये देख लो कितनी भी लाइन खींच सकती है। तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई लीनियर इक्वेशन है अगर टू वेरिएबल में, हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, आपको लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था ना मैंने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये दो वेरिएबल है ना, देखो एक वेरिएबल एक्स दूसरा वेरिएबल वाई, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट था, चैप्टर पढ़ो जाके प्लेलिस्ट में, तो ये भी सही है। तो स्टेटमेंट ए भी सही है, ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन हमारे ऑप्शन क्या क्या होते थे कि ए ऑप्शन हम टप टिक करते हैं कि स्टेटमेंट ए भी सही हो, स्टेटमेंट बी भी सही हो, अभी समझाए थे ना ऑप्शंस। और जो स्टेटमेंट ये बी यानी कि स्टेटमेंट आर है, रीजन वाली स्टेटमेंट है, ये रीजन होना चाहिए स्टेटमेंट ए का, तो ये कोई रीजन नहीं है स्टेटमेंट ए का, दोनों सही जरूर है अपनी अपनी जगह, लेकिन ये जो लिखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये इसका इस फर्स्ट वाले के सही होने का रीजन नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रू ट्रू तो है लेकिन ये रीजन नहीं है, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करते थे, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो ना अभी पढ़ाया था ना यार, ये रहा गया ऑप्शन नंबर बी कि ए एन आर बोथ आर ट्रू, ए एन आर ये देखो ना लिखा है ए एन आर बोथ आर ट्रू, लेकिन आर इज नॉट अ रीजन ऑफ ए, तो वही केस चल रहा है वहां पर हमारा। देख लो ये ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, लेकिन ये जो आर है ये इस पहले वाले के सही होने का कोई रीजन नहीं है भाई, यहाँ पर इक्वेशन की बात हो रही है, पॉइंट की बात हो रही है, तो हम ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे अप्रोच करने हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो यार तुम लोग, ठीक है, तभी होंगे क्वेश्चन सही, दो क्वेश्चन तो कन्फर्म आने हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं, चलो गाइस क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं असर्शन वाली। असर्शन वाली स्टेटमेंट कह रही है टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, दो सिमिलर ट्राइंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये तो पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई। ये ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया था ना, सिमिलर ट्राइंगल तो कुछ भी हो सकते हैं, ये एक ट्राइंगल सिमिलर है जिनका एरिया सेम होता है ना, उनको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। मान लो ये इसका एरिया A1 है, ठीक है, और ये जिनका एरिया सेम होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एरिया जिनका सेम होता है, ठीक है, और ये है कोई बड़ा ट्राइंगल A2, तो ये सिमिलर तो जरूर है आपस में, ऐसे सिमिलर का साइन होता है वाला, ये सिमिलर तो है, एक जैसी शेप है ना, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, जैसे बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाए, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये एक ट्राइंगल है ना येलो वाला, और बिल्कुल एग्जैक्ट ये ऑरेंज इसी के ऊपर आ जाए फिट, जैसे हम अगर इमेजिन करो 1 रुपए का कोई सिक्का है, उसके ऊपर फिर हम एक और एग्जैक्ट वाला 1 रुपए का सिक्का रख दे, तो वो दोनों ही हम बोलेंगे कॉन्ग्रेंट है। सिमिलर होते हैं कि एक जैसी शेप होती है, पर उनका जरूरी नहीं है कि पूरा हर चीज एकदम सेम हो। तो ये स्टेटमेंट पहली फॉल्स ही हो गई। तो अब देखो अगर हम ऑप्शन देखें जहाँ पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, तो हम आगे सेकंड वाली चाहे रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़े ही ना तो भी चल जाएगा, क्यों देख लो आप, जैसे सीधे हम डी टिक कर सकते हैं क्योंकि ए इज फॉल्स है, तो आर चाहे हम चेक करें ना करें ए फॉल्स दिख गया हमें, तो हम सीधे ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हैं, क्योंकि पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई असर्शन वाली, तो हम सीधे डी टिक कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता था, ए फॉल्स होती थी और रीजन वाली ट्रू होती थी, चाहे हम रीजन वाली चेक करें ना करें, ए फॉल्स मिल गया तो हम सीधे डी टिक कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे चेक कर लो ये रीजन वाली ट्रू ही निकलेगी, पढ़ते हैं क्या रीजन वाली कह रहे हैं कि टू सिमिलर ट्राइंगल आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर एरियाज आर इक्वल। सही बात है, कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उनके एरियाज इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली हर चीज सेम सेम, तो ऑब्वियसली ट्रू है।
तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी रीजन वाली, हमने देखा था कि भाई पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम सीधे ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते थे। ठीक है, इस तरह से दिमाग चलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में दो स्टेटमेंट आपके सामने, असर्शन और रीजन। तो असर्शन देखते हैं पहले। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स वो चेक करते हैं हम। हमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है 176। किसके सर्कमफ्रेंस का सर्कल? तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है 176 और रेडियस दे रखा 28। तो यानी कि सॉल्व करके देख लो, 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस 28 इंटू 28। इसको जब सॉल्व करोगे तो 22 × 4 × 2 × 76 आएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि जिसका रेडियस 28 होता है तो उसका सर्कमफ्रेंस सर्कल का 176 आएगा। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है आपकी, ट्रू है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है सर्कमफ्रेंस का सिर्फ फॉर्मूला, तो स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है, और साथ में हमें यह भी पता है कि इसी की वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। भाई यही तो रीजन है ये स्टेटमेंट ट्रू होने की, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे? इसका ऑप्शन हम ए टिक करेंगे। ए क्या होता था? ए ऑप्शन ये होता था कि ए ट्रू हो यानी कि पहली स्टेटमेंट, आर ट्रू हो यानी कि दूसरी स्टेटमेंट, और आर जो हो वो रीजन हो पहली वाली स्टेटमेंट के करेक्ट होने का। तो सही बात है, आर या रीजन पहली वाली स्टेटमेंट के करेक्ट होने का, क्योंकि आर में फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले की वजह से तो ये 176 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप चेक करना सीखो और मार्क करना सीखो। पहले चेक कर लो दोनों स्टेटमेंट ट्रू, फिर रीजन देख लो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया भला? नेक्स्ट देख लो फटाफट, प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही। ओके गाइस, इस वाले क्वेश्चन को देखो। असर्शन वाला स्टेटमेंट कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ मोड एंड मीन इज 60 और 66। तो ये मोड की वैल्यू 60 है, मीन की वैल्यू 66 है रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 64। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? देखो हमारे फॉर्मूला एक होता है मीडियन का, ये आप याद रख लो। मीडियन इज इक्वल टू 1/3 मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला, ये जो मैंने लिखा है ना, मीडियन इज इक्वल टू 1/3 मोड प्लस 2 मीन। तो ये फॉर्मूले में आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपका मीडियन का 64 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखने, मीडियम इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये तो डायरेक्ट गलत हो गया सेकंड स्टेटमेंट। अभी मैंने देखा कि मीडियन का फॉर्मूला ये है, मीडियन इज इक्वल टू 1/3 मोड प्लस 2 मीन है, यहां तो पता नहीं ये कुछ और ही लिखा हुआ है भलता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे जिसमें ए ट्रू है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है? तो ये ऑप्शन होता था सी। तो इसका आंसर हम फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन टिक करेंगे, जिसमें हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू होता था और सेकंड स्टेटमेंट यानी रीजन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। इन द फिगर इफ बीसी इज इक्वल टू 20 मीटर, ये रहा बीसी, ये 20 मीटर है, एंड हाइट ए बी की वैल्यू दे रखी है, मतलब निकला है हमारा, और ये एंगल 30 दे रखा है। तो हमें पता है टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? टेन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी ये लेंथ ए बी और बेस यानी कि बी सी, इसकी तो दे रखी है 20 और टेन 30 है ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो टेन 30 कितना होता है? टेन 30 होता है 1/√3। तो यहाँ पर थीटा डालूंगा तो बन जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। और उसके बाद यहाँ से ए बी की वैल्यू, ये इसको जब मैं यहाँ सॉल्व करूंगा तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/√3। जब मैं 20/√3 करता हूँ तो वो आ जाता है 11.56 मीटर। ठीक है, ठीक है जी। रूट थ्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.73 होती है, ये जो रूट थ्री है ना इसकी वैल्यू होती है 1.73। एनीवेज, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 20/√3 को तो आएगा 11.56 मीटर। तो यानी कि ये सही लिखा हुआ है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा असर्शन वाला ट्रू है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट यानी कि रीजन वाला क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है टेन थीटा, जो हमने सॉल्व किया ना वही लिखा हुआ है, टेन थीटा ए बी अपॉन बी सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये हमें पता है फॉर्मूले से, और थीटा की वैल्यू ए सी बी दे रखी है। तो यानी कि ये रीजन वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। अब गौर से देखो, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए। सबसे पहले ये चेक क्या करो असर्शन रीजन में कि पहले दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। फिर उसके बाद ये देखा करो कि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है रीजन, क्या इसी का रीजन की वजह से पहला स्टेटमेंट ट्रू है? तो वो बिल्कुल इसी के रीजन की वजह से है। ये देख लो, यही तो हमने सीधे ये जो नीचे कॉन्सेप्ट रीजन में बता रखा है यही तो लगाया यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका आंसर हम क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता था? जिसमें बोथ स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती थी और रीजन वाली स्टेटमेंट रीजन होता था कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में मेरी बात? ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, ये वाला असर्शन रीजन। नेक्स्ट देखते हैं।
चलो गैस क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पहली स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट बोलती है, असर्शन वाली पढ़ते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है यहाँ पर, जिसका रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और ये निकला टोटल सरफेस एरिया 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम टोटल सरफेस, इस ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, हमें इसके लिए टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, जिसका रेडियस इतना है, हाइट इतनी है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh + 2πR², ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप देखो इस क्वेश्चन में ना आप गैस भी कर सकते हो कि नीचे देख लो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये भी ट्रू है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, तो 90% केसेस में ए भी ट्रू होगा और ये फॉर्मूला दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये रीजन भी होगा, तो हम गैस कर सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है और रीजन वाला जो सेकंड स्टेटमेंट होती है रीजन वाली, वो रीजन होता है कि फर्स्ट वाला ट्रू है। तो अब चाहो तो इस फॉर्मूले में ये हाइट और रेडियस की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका, वरना डायरेक्ट मार्क कर सकते हो कि इसका आंसर है ए। मैं आपको ये काम इतना करने के लिए देता हूँ, ये रेडियस की वैल्यू है 14, हाइट की वैल्यू 30, इस फॉर्मूले में डालो आपका 3872 आएगा, तो ये भी ट्रू कहलाएगा और ये तो ट्रू है ही क्योंकि यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो चेक करके देख लेना, यही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओके क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। तो ये वाला देखते हैं, असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ो आप, प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। इफ अ डाइस थ्रोन, एक डाई वो हमारा होता है ना डाइस, वो फेंका और पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 इज 0। भाई कह रहा है कि हमने वो डाइस फेंका तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी नंबर आने की जो 3 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो। 3 से छोटा और 2 से बड़ा, ऐसा तो कुछ नंबर ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है कि नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो 0 सही बता रखी है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है पहला वाला। भाई डाइस फेंका, ये कह रहा है 3 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो, 2 के बाद तो 3 ही आता है, तो 3 से छोटा और 2 से बड़ा क्या होता है, कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, तो 0 सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है, यही कॉन्सेप्ट के पॉसिबल ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू भी है, साथ में सेकंड स्टेटमेंट रीजन भी है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, तो इसका मतलब इसका आंसर हम ए टिक करेंगे। ए में क्या होता था कि असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू होती थी, रीजनिंग वाली स्टेटमेंट ट्रू होती थी, साथ में वो जो रीजनिंग वाली स्टेटमेंट है वो रीजन होता था फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के ट्रू होने का, तो यही रीजन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 इसके सही होने का। ठीक है, समझ आ गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिक करोगे आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रेडियाई ऑफ टू कॉन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो दो कॉन्स हैं, ठीक है, उनका रेडिया का रेशियो बता रखा है, ये दो कॉन है, इनके रेडिया का रेशियो है 2:3। तो लिख लेते हैं भाई, R1:R2 का रेशियो दे रखा है 2:3, और उन कॉन्स के वॉल्यूम का रेशियो भी दे रखा है 1:3। तो वॉल्यूम V1:V2 भी दे रखा है 1:3, और उनकी हाइट का रेशियो दे रखा है 3:2। तो भाई हाइट का रेशियो H1:2 H2:3:2 दे रखा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं अभी हम पहले कि सही है कि गलत, समझ रहे हो ना। तो भाई देखो, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3πR², यही होता है। तो R1 R2 यानी कि दो कोन है, तो R1 R2 दोनों के रेडियस, V1 V2 दोनों का अलग अलग वॉल्यूम होगा क्योंकि रेडियस अलग है और हाइट भी अलग है। तो हमें पहले तो ये स्टेटमेंट चेक करना है कि सही कि गलत है। तो ये दोनों तो सब में कॉमन होगा, 1/3π और 1/3π, तो इसको भूल जाएंगे हम। ठीक है, तो वॉल्यूम V1:V2 का रेशियो क्या होगा, 1/3π, इसको तो हम भूल जाएंगे इस वाले से, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो होगा 1/3π हटा के R1² H1, ये वाला हिस्सा बचेगा ना, और R2² H2। तो जैसे कि वॉल्यूम का रेशियो दे ही रखा है 1:3, तो यहाँ मैं पुट करता हूँ वैल्यू, 1/3 होगा ये, और R1 का वैल्यू 2² यानी R1² है ना, 2² यानी कि 4, और नीचे R2² यानी कि 3² यानी कि 9, H1 क्या है 3, तो ऊपर डाल दिया 3, H2 क्या है 2, नीचे डाल दिया 2,
तो ये दोनों सेम आना चाहिए अगर सही है तो वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू फोर टू जै 12, 9 2 जै 18, ये तो 2:3 आ गया। तो 1:3 इज इक्वल टू 2:3, यानी कि ये जो ऊपर जो भी कैलकुलेशन और रेशियो वेशियो दे रखा है गलत आ गया हमारा, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। और जैसे ही पहला स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो आप सीधे ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ये कहता था कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। आप चाहे दूसरा स्टेटमेंट या रीजन वाला स्टेटमेंट आप चेक करो या ना करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे कर लो, सही है ये, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 π² h होता है, तो ये ट्रू है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें पहला असर्शन वाला स्टेटमेंट फॉल्स होता है और सेकंड वाला यानी रीजन वाला स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, हो रही है ना। आप सीधे पेपर में इसी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट पे असर्शन और रीजन हो तो चेक करने का तरीका क्या है, पहले पहला स्टेटमेंट देख लो सही के गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द 0.06 लाइज ऑन द वाई एक्सिस। तो एक पॉइंट है, ये ऐसे होते हैं ना, ये आपका एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। पॉइंट क्या है, 0.06, यानी कि एक्स और वाई 0.06 है। तो एक्स 0 है और वाई 6 यहाँ कहीं होगा, तो ऐसे बनेगा ये वाला 0.6 पॉइंट यहाँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्स 0 है, तो यानी कि एक्स पे कुछ नहीं होगा, तो यहाँ होगा ये पॉइंट जहां पर y की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, तो ठीक है, ये कह रहा है y एक्सिस पे होता है 0.6 पॉइंट, तो सही है। ये देखो y एक्सिस पे ही तो है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये y एक्सिस पे है, तो सही है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड देखो भाई, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ये बेसिकली यही बता रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट होता है, अगर कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है अपना ये वाला 0.6, इसका अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, इस ये देखो ना, ये आपकी y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, कोई सा भी इनमें से कोई सा भी पॉइंट ले लो, हाँ ये इतने सारे पॉइंट मैं बना रहा हूँ, इनमें से कोई सा भी पॉइंट, अगर हम जो भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, क्योंकि x तो इस डायरेक्शन में कुछ होगा तभी x कोऑर्डिनेट आएगा ना। तो ये सारे y एक्सिस पे जो पॉइंट है, अगर कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। और इसी स्टेटमेंट की वजह से ये वाला हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हुई है, ये जो कॉन्सेप्ट की वजह से, तभी तो हमारा 0 ये y एक्सिस पे बनता है ये पॉइंट, ये देखो y एक्सिस पे बन गया है 6, अगर ये 6 है तो इसका मतलब स्टेटमेंट वाला ऑप्शन ये करेक्ट है, रीजनिंग वाला ऑप्शन ये भी करेक्ट है, और इस रीजनिंग वाले ऑप्शन की वजह से ये स्टेटमेंट वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये जो स्टेटमेंट असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है उसका ये रीजन है, रीजन। ठीक है, तो इसका मतलब हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता था, जिसमें असर्शन भी ट्रू हो, रीजनिंग भी ट्रू हो, और रीजनिंग वाला जो ऑप्शन है या रीजनिंग वाली जो स्टेटमेंट है वो रीजन बने कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने का। तो यही रीजन है कि जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देख लो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि इसका पॉइंट वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें देखो भाई, पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं सही के गलत है। ये मैंने सब में रीजनिंग लिख दिया, रीजन है ये। ठीक है, रीजन है। तो पहली स्टेटमेंट ये है, कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू 2cos²a - 1। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा बड़ी क्लास में अगर आपको मैथ्स वगैरह लेनी है या लाइफ में आगे भी करना है, क्योंकि मैथ्स तो आएगी, 10th तक के मैथ्स तो आगे भी आएगी, आप कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह का एग्जाम्स भी देते हो ना तो भी आपके 10th तक के मैथ्स तो कन्फर्म आती है। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कॉस की पावर 4a, कॉस पावर 4a माइनस साइन पावर 4a इज इक्वल टू 2cos²a - 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो सीधे इसको ऐसे सॉल्व कर लो। देख लो, ये कॉस की पावर 4a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos²a का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस एज इट इज साइन की पावर 4a को भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर a का पूरा स्क्वायर। अब ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला याद आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दो, सॉल्व करते हुए चलोगे तो ये आ जाएगा, इतना काम आप करना, बाकी ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन आपका यानी असर्शन वाला ऑप्शन आपका ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो पहली स्टेटमेंट ही ट्रू हो गई, इसको ऐसे सॉल्व करके भी कर सकते हो, नहीं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो ये। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो कॉस थीटा का टेबल कैसे चलता है, जैसे कॉस जीरो
कॉस जीरो क्या होता है, वन, कॉस थर्टी क्या होता है, रूट थ्री अपॉन टू, यही होता है ना, कॉस 45 क्या होता है, वन अपॉन रूट टू, कॉस 60 क्या होता है बताओ, वन अपॉन टू, यही होता ना। और कॉस 90 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा हो, कॉस 90 की वैल्यू जीरो। तो ऐसे ही टेबल चल रहा है। तो स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, स्टेटमेंट कह रही है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो सही तो है, ये देखो थीटा की वैल्यू जीरो से 30 हुई तो ये वन से रूट थ्री बाई टू हो गया, 30 से 45 हुई वन अपॉन रूट टू हो गया, फिर उसके बाद वन अपॉन रूट टू से वन अपॉन टू हो गया, फिर फाइनली जीरो हो गया। तो आप देख ही रहे हो कि हाँ वाक्य में वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है, तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, असर्शन वाला, रीजन वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू जरूर है। लेकिन 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 देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हमारा ये जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये कोई रीजन नहीं है इस वाले स्टेटमेंट के सही होने का, असर्शन वाले स्टेटमेंट के सही होने का। तो इसका मतलब हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन इसका ऑप्शन हम बी मार्क करेंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इसकी वजह से पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ये दोनों इंडिविजुअली ट्रू जरूर है लेकिन ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है रीजन वाला, ये इस फर्स्ट वाले असर्शन वाले के ट्रू होने का कोई रीजन नहीं है। ये तो अपने आप में एक फॉर्मूला है और यहाँ पर ये बता रखा है कि कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो हम मार्क करेंगे बी, क्योंकि बी यही बोलता था कि दोनों ट्रू हो लेकिन रीजन वाला असर्शन को ट्रू करने का रीजन ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में असर्शन वाला स्टेटमेंट कहता है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। देखो इसमें लीनियर इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट पे दे दिया, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ये दो इक्वेशन का आपको दो इक्वेशन दे रखी है और कह रखा है कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो हम चेक कर लेंगे भाई। हम चेक कैसे करते थे, ये ए वन है, ये क्या है, ये बी वन है और ये ए वन है, जो एक्स कोएफिशिएंट होता है वो, सॉरी ये ए टू है और ये बी टू है, यही होता था ना, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। फिर हम चेक कर लेते थे कि अगर ए वन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू आएगा तो हम कह देंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। तो हम चेक कर लेते हैं ए वन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू है कि नहीं। तो ए वन है 5 और ए टू है 7, यानी ए वन ए टू बी वन बी टू क्या है 3 और माइनस 5, तो माइनस 3 में 5 तो ये तो नहीं है। ए वन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू आ गया, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो ट्रू लिखी हुई है, ये कह रहा था ना ये दोनों लाइन जो की जो इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हमने चेक करके देख लिया हाँ, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट यानी रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं अब हम। तो रीजन वाली स्टेटमेंट इसी कॉन्सेप्ट को बस बता रही है वर्ड्स में कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है, ये जो मैंने यहाँ लिखी है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड सेकंड इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। रीजन वाली स्टेटमेंट बस इसी कॉन्सेप्ट को वर्ड में लिख के बता रखा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये होता है ए वन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रीजन वाली भी सही है और साथ में ये रीजन भी है कि फर्स्ट वाला हम प्रूव कर पाए। तो इसका मतलब इसका आंसर, इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम ए टिक करेंगे, जो कि होता था कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द रीजन ऑफ दिस असर्शन इज ट्रू, तभी तो उसका नाम है रीजन। ये वाला रीजन है कि ये असर्शन ट्रू है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, 11 क्वेश्चन, 11 का शगुन भी हो गया। तो यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं और क्वेश्चन करवा दूंगा। वैसे असर्शन रीजन को कैसे आप टैकल करोगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा, एक दो बार देख लेना वीडियो को। और नेक्स्ट मैं आई थिंक आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा 50 या 100 इंपॉर्टेंट पेपर से पहले वो करवा दूं, क्या एमसीक्यू, ठीक है, उस पर वीडियो बनाऊंगा, पार्ट में बनाऊंगा यार, लंबी नहीं होनी चाहिए ना। तो एक वीडियो में 50 रखूंगा, दूसरे वीडियो में 50 एमसीक्यू रखूंगा पूरे कोर्स के मिला के, जिसमें सारे आपकी जो पूरी मैथ्स है उसको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लूंगा मैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो बाय।